भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कौन सा प्राणायाम? बोलिए भ्रामरी। भ्रामरी 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 प्राणायाम भौरे से लिया गया है। किससे लिया गया है? भौरा का नाम जानते हैं आप लोग? भौरा काला काला होता है और वो बोलता है कैसे? ऐसे बोलता है ना? तो हमें ऐसे ही अभ्यास करना है, नासिका के द्वारा उच्चारण करेंगे। तो दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और दोनों अंगूठे को कान के ऊपर, ये लीड है ना ढक्कन, इस पे रख लेते हैं और तर्जनी को ललाट के मध्य में रखेंगे दोनों तरफ से, ऐसे और तीनों उंगली को मोड़ के आंख पे रखेंगे। एक बार हमको ऐसे देख लेंगे, ऐसे बहुत अच्छा, ठीक है ना? उंगली से आंख को दबाना नहीं है, धीरे से उसको रखना है। अब आप मुंह बंद करिए, सांस को धीरे धीरे नाक से भरिए और धीरे धीरे भौरे जैसा गुंजन करिए। जब हथेली गर्म होने लगे तो अपने भीतर के अग्नि तत्व को महसूस करिए।